हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस सेट में, इस पूरे सेशन में आपको देखने को मिलेगा नायब तहसीलदार का पेपर। ठीक है, तो नायब तहसीलदार का पेपर दोस्तों ये हुआ था आपका 2016 में, तो 2016 का ये पेपर है। आपसे मैं पूरा पेपर डिस्कस करूंगा, और लेकिन पूरा पेपर यहाँ पर जो है 150 नंबर का ये पूरा पेपर था। ठीक है, 150 अंक का था, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो थे वो सामान्य अध्ययन वगैरह से थे, और उसके बाद रह जाते 50 क्वेश्चन जो है उस पर थे, जैसे रीजनिंग वगैरह इन पर थे। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन। अभी हम जो बात करेंगे वो सिर्फ 100 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये 2016 का पेपर है नायब तहसीलदार का। ठीक है, UKPSC जो है कैसे पेपर बनाता है आप देख सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। 2 घंटे का समय इसमें मिलता था, और 150 नंबर का ये पेपर था, 2 घंटे के अंदर आपको ये पेपर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दिया इसमें क्या था, और 2016 में ये प्रश्न पत्र कैसा आया था हम इसको देखेंगे। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, इसमें जो आंसर है वो आंसर ऑलरेडी इसमें क्लिक किए हुए हैं, टिक लगाए हुए हैं। मैं इसको पूरा टाइप करता तो बहुत ज्यादा समय इसमें लगता, तो इसलिए मैंने यही पेपर उठा करके फोटो खींच करके आपको मैं इसमें से बता देता हूँ कि आप बस, आपका मकसद और हमारा मकसद ये है कि आप ये देख लें कि कैसा पेपर नायब तहसीलदार का प्री का बना था 2016 में, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी आप उसी तरीके से तैयारी करेंगे और टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एक अंदाजा आ जाता है कि हम जिस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पहले किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं फटाफट से प्रश्न जो है कैसे आए थे इसमें। जैसे कि मैंने कहा ये सामान्य अध्ययन से यहाँ पर से शुरू होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था उत्तराखंड के किस जिले को का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। भाई किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? पौड़ी गढ़वाल का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहले से इसमें निशान लगाया हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था सीरीज वन में जो सूची एक में दी गई झीलों का सुमेलन जो है दूसरे से करना है। ठीक है, मैच करना है, तो यहाँ पर देखेंगे आप सात ताल, द्रोण ताल, डोडी ताल और बिरही ताल, काशीपुर, उत्तरकाशी, नैनीताल और चमोली। भाई सात ताल कहाँ पर है? सात ताल नैनीताल में है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सात ताल है कहाँ पर है? सॉरी, सात ताल नैनीताल में है। ठीक है, सात ताल कहाँ पर है? नैनीताल में, गलत लगा दिया कि मैंने, सात ताल जो है नैनीताल में है। ठीक है, द्रोण सागर ताल जो है कहाँ पर है? ये काशीपुर में है द्रोण सागर ताल, और डोडी ताल कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, और बिरही ताल चमोली में है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसको, मैंने यहाँ पर लिखा है जो। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी यहां पर सही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? भाई कौन सी है वो नदी? तो ये मंदाकिनी नदी है। ठीक है, अलकनंदा से जिसका संगम होता है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी ये कहां पर होते हैं? रुद्रप्रयाग में होते हैं। आगे, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भाई ये बाह्य हिमालय में होती है। ठीक है, तो वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? बाह्य हिमालय में होती है। ये जो आंसर है ये आंसर की के अकॉर्डिंग जो है लगाए हुए आंसर है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? भाई चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? हल्की चिकनी कछारी मिट्टी। ठीक है, हल्की चिकनी कछारी मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगर इसका इंग्लिश वाला सेट चाहिए आपको तो मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से ले लेना। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है, तो चौथा स्थान है। भाई नैनीताल जिले का कैसा स्थान है? चौथा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान चौथा। अगला, चीन युद्ध 1962 में से पूर्व निम्नलिखित में कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? ये भोटिया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पता होगा आपको। ठीक है, अगला, जनवरी 2021 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? तो ये कहां पर थी? भाई बागेश्वर में। ठीक है, सरयू नदी के किनारे पर। ठीक है, कुली बेगार नहीं देने की और इन्होंने शपथ ली थी 1921 में। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो 1921 में हुआ था ये, सन में पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? ये भागीरथी नदी पर निर्मित किया जा रहा है। अगला, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, तो हल्द्वानी में किया गया था। ठीक है, प्रथम डेयरी संघ कहां पर स्थापित किया गया था? हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? तो ये सन 1950 में पास किया गया था। भाई ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में किया गया था। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? भाई गढ़वाल मंडल की 1969 में की गई थी। ठीक है, 1969 में की गई थी गढ़वाल मंडल की
स्थापना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो, ठीक है। आपको मैं विभिन्न प्रकार के स्टडी के लिए आपको मैं उत्तराखंड जनरल नॉलेज हो चाहे कुछ भी हो, पुराने पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और बाकी टॉपिक वाइज हम जो है यहाँ पर प्रैक्टिस आपको कराते हैं, मैटर प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशनल, तो फिर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। भाई अनुसूचित जनजाति के लिए 2 स्थान है और अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, 15 स्थान है, ठीक है। अनुसूचित सॉरी 13 स्थान है, ठीक है, तो ये 13 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना संबंधित है, तो ऑपरेशन ये बच्चों से संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन स्माइल या मुस्कान योजना बच्चों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस जिसका जिनका जून 2016 में निधन हुआ किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो किसकी है भाई ये, तो ये है हिंदी उपन्यासकार, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन डी यहां पर सही है, ठीक है। मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ की प्रसिद्धि है, तो हिंदी उपन्यासकार की, ये हिंदी उपन्यासकार इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना जो समझ में, मतलब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन इजी तरीके से भी बन सकता था, ठीक है, उसको थोड़ा सा अजीब तरीके से बनाया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया, 356 के अंतर्गत लगाया गया था, ठीक है, 356 के। अगला, ब्रेड डबल रोटी के में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए, तो ये पोटेशियम ब्रोमेट होता है, ठीक है। डबल रोटी में हानिकारक जो रसायन होता है उसका नाम क्या होता है, पोटेशियम ब्रोमेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम निर्जाति समूह किसे माना जाता है, पहला निर्जाति समूह किसे माना जाता है, कोल, ठीक है, कोल को पहला निर्जाति समूह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो चाँदपुर गढ़ी जो है पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे, विश्वंबर दत्त चंदोला जो है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, पेशावर कांड के नायक कहलाते हैं। अगला, निम्न में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ था, 1949 में हुआ था ये, स्वतंत्र भारत में टिहरी रियासत का विलय हुआ था, ठीक है, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा था, 2016 में खेल रत्न पुरस्कार से किसे नवाजा गया था, जीतू रॉय, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु और दीपा कर्माकर, इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा स्थल, ठीक है, तो इसको जो है 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है भाई, ठीक है, तो ये 20वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, और दूसरा है पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है, तो यानी कि ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था, तो 1956 राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम जो था उसका क्या आधार था, उसका आधार था भाषा, यानी कि पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया गया था। उसके बाद टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था, तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था, सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी 1973 में हुई थी, ऑप्शन सी यहां पर सही है, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में IIM कहां पर स्थित है, भाई काशीपुर में है, IIM कहां पर स्थित है, काशीपुर में स्थित है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, भाई राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 5 से 65 वर्ष की आयु में, ठीक है, यानी कि मतलब कहने का ये मतलब है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वो उसमें उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है, तो पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था जो है 243 करता है।
उसके बाद है उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण आरक्षित किए, तो ये बीसी खंडूरी ने किए थे, ठीक है, बीसी खंडूरी ने किए थे। चलिए, और कल के पेपर में आया था कि कौन से सन में किया था, ठीक है, 2007, 2008, 2009 इस तरीके से दिया था, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं खंडूरी जी ने किए थे, जिसको 2007-08 जो भी ये सन था इसको अगर किसी को पता होगा तो खंडूरी साहब का भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी, तो ये उत्तराखंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, कितने मंत्रियों की, 12 मंत्रियों की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिस्सेदारी रखता है, तो ये बांग्लादेश रखता है, सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की मिलती है, यानी कि देखिए आप जो इस तरीके से है अपना देश, तो यहाँ पूरा बांग्लादेश जो है इसके अंदर ही है, ठीक है ना, ये जो खोपचा है उढ़ियार जो है इसके अंदर पूरा बांग्लादेश आ जाता है। चलिए अगला है, नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है, तो नोकरेक आरक्षित जैव मंडल मेघालय में अवस्थित है, ठीक है, मेघालय में। नेक्स्ट है, सोलावन का संबंध दक्षिण प्रायद्वीपी पहाड़ियों से है, ठीक है, सोलावन का संबंध किसे, दक्षिणी प्रायद्वीपी पहाड़ियों से। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, भाई तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, ठीक है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में डोलवी, ठीक है, डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। झूम खेती को डॉट डॉट भी कहते हैं, तो स्थानांतरित खेती होती है, झूम खेती होती है ना, झूम खेती स्थानांतरित खेती होती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये महानदी पर है, कहाँ पर है, महानदी पर हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय और आंशिक रूप से मैदान में स्थित है, तो उत्तराखंड है, मतलब आधा जो है थोड़ा तो कुछ हिस्सा मैदानी कुछ हिस्सा पहाड़ी। अगला, साझा संपत्ति संसाधन भारत में किस स्वामित्व में आते हैं, तो ये राज्य के स्वामित्व में आते हैं। नेक्स्ट है, LF2 नीति का संबंध किससे है, भाई ये उत्तराखंड की शराब नीति से है, ठीक है, LFL2 का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी, तो ये बनी थी भाई 1236 में, ठीक है, रजिया सुल्तान कब बनी थी, 1236 में बनी थी, ठीक है, पुरुषों की तरह कपड़े पहन के, प्रथम मुस्लिम शासिका इसको बोला जाता है, पुरुषों की तरह कपड़े पहन के दरबार में आया करती थी, ठीक है, बिल्कुल कुछ अलग टाइप की दबंग लेडी थी। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की, अकबर ने की थी मनसबदारी। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था, तो यह सालबाई की संधि के द्वारा हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया, तो भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी का अंत किया। भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी, 1854 में हुई थी, ठीक है, सरकारी डाक सेवा की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1854 में हुई थी। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है, भाई दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी ने। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या, बुद्ध धम्मम और संघ, ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी और संगम शरणम गच्छामी। बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था, मुमताज महल का अर्जमंद बानो बेगम था इनका मूल नाम, ठीक है, अर्जमंद बानो बेगम जो है मुमताज महल का मूल नाम था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, कौन थे, जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्ष लागू होता है, 370, ठीक है, अब ये नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो आता लागू होता था आएगा, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया। अगला, किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा जाता है, तो 42वां संस्करण। आगे है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन था ये, तो ये कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, 32। नेक्स्ट है, विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, भाई सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। अगला, रोम है एक, तो रोम क्या है, ROM, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, तो ये क्या है भाई, ठीक है,
क्या है ये? नॉन वोलेटाइल स्मृति है, यानी कि स्थाई मेमोरी है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मतलब, वोलेटाइल मतलब वाष्पीकृत, ठीक है, वाष्पीकृत मतलब जल्दी उड़ने वाली मेमोरी नहीं है, ठीक है। और वोलेटाइल स्मृति बोलते हैं RAM को, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसको अस्थाई या चल मेमोरी भी बोलते हैं, वोलेटाइल स्मृति, ठीक है। इसको वाष्पशील मेमोरी होती है, यानी कि जल्दी उड़ जाती है। अगला, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस जहाँ से डेटा को इनपुट किया जाता है, प्रवेश किया जाता है, स्कैनर है, ठीक है, स्कैनर है। कोई भी पेपर आप स्कैन कर सकते हैं, कुछ भी। आगे बढ़ते हैं, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है भाई? एक वेब ब्राउजर है, आजकल तो यूज़ करते नहीं लोग, गूगल क्रोम वगैरह ही ज़्यादा यूज करते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या था? एक वेब ब्राउजर था। अगला, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है? तो यह 8 हजार करोड़ इसकी बजट राशि थी, उज्ज्वला योजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित किया गया था? 2016-17 की ये बात कर रहा है, तो उस समय 3.56 से किया गया था। अगला है, देखिए अब अभी वर्तमान का, अब उस समय पूछा गया था, अभी आपको वर्तमान का याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? तो ये कहार और तंवर घिंगारिया, ठीक है, कहार और तंवर घिंगारिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? तो खाद्यान्नों का उत्पादन 2014-15 में न्यूनतम था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? तो भाई ये 12 प्रतिवर्ष है, ठीक है, 12 रुपये प्रतिवर्ष है इसके अंतर्गत प्रीमियम राशि। अगला है, वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है, उड़ीसा थोड़ा नीचे हो गया, बाकी गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा ये है, मित्र पर झार गुमछा, ये इसकी ट्रिक थी, आपको पता ही होगी। भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक HDI का मान कितना था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, तो ये 0.609 इसका था, इस समय इसका सूचकांक था, कब? 2014 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म शाही कणों द्वारा अक्षर और आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो ये लेजर प्रिंटर है, ठीक है, लेजर तकनीक आपको पता ही, बहुत ही एडवांस टेक्निक है। आगे बढ़े, निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन, कंप्यूटर यूज करते हो तो आपको पता होगा नॉर्टन, ठीक है, टैली वगैरह नहीं, अकाउंटिंग में काम आता है, जावा भी नहीं है। चलिए आगे बढ़े, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन है? भाई तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता है हिमांशु जोशी, ऑप्शन डी यहां पर सही है, ठीक है, तुम्हारे लिए पुस्तक के रचयिता कौन है? हिमांशु जोशी। अगला क्वेश्चन है, 2016 में 23वां राष्ट्रीय राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया, 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड दिया गया था दोस्तों शुभा मुगदल को दिया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो ये पौड़ी की, ठीक है, 7 जिलों के साथ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ठीक है, जय बजरंग बली काली। अगला क्वेश्चन है, गूगल एक सर्च इंजन है, ये मैंने आंसर भी सीधे बता दिया, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, ठीक है। आगे है, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक है, ठीक है, ब्लड का कॉगुलेशन होता है, परसों के पेपर में आया था ये क्वेश्चन दोबारा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, आप पुराने पेपरों को देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ब्लड स्कंदन के लिए, कॉगुलेशन के लिए के विटामिन बहुत जरूरी होता है। लवणीय जल में उगने वाले पौधे ये हेलोफाइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? पंतनगर में है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी प्रोटीन है? तो मायोसिन, ये भी आया था पिछले पेपर में,
मायोसिन जो है मांसपेशी प्रोटीन है, परसों आया था पेपर में। निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, तो ध्वनि तरंगों को ध्रुव इनको ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता ना, पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आर एच फैक्टर नाम का आधार है, तो आर एच फैक्टर नाम का आधार रिसस बंदर, ठीक है, तो ये आर एच फैक्टर नाम का आधार क्या है, रिसस फैक्टर। नेक्स्ट है एक उपग्रह का उपयोग होता है किस लिए होता है भाई, संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है, कृषि और वानिकी के लिए भी होता है इसका उपग्रह का, सैटेलाइट का यूज, और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए भी सैटेलाइट का यूज होता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस क्या है, मार्स गैस जो है मीथेन है, मार्स गैस क्या है, मीथेन है। नेक्स्ट है मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था, तो कब किया गया था, 2001 में किया गया। डीएनए में नहीं पाया जाता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता भाई, यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, और डीएनए में इसकी जगह पर क्या पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में थॉमस कप जीतने वाला कौन पहला यूरोपीय देश बन गया, तो ये डेनमार्क बन गया था, ठीक है, थॉमस कप 2016 में थॉमस कप जीतने वाला पहला यूरोपीय देश बना था डेनमार्क। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, तो ये नॉर्वे, ठीक है, दुनिया का पहला देश बन गया नॉर्वे जो वनों की कटाई पर जिसने प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन है चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है, करंट के क्वेश्चन थे उस समय के, तो ये स्पैटली और स्पैटली द्वीप श्रृंखला, ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये तो नहीं आएगा। कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया है, तो ये केरल है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है उस समय का करंट है लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये बन सकता है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जो डिजिटल राज्य बना है देश का, तो केरल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स नेताज एंड मी, ठीक है, देखिए एडिटर अनप्लग्ड मीडियाज मैग्नेट्स नेताज एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो इसके लेखक विनोद मेहता है, विनोद मेहता। अगला है 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया, बाहुबली को चुना गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 किसे दिया गया, रघुवीर चौधरी को दिया गया। निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन किसके द्वारा निकलता है भाई, अग्नाशय के द्वारा निकलता है, पेनक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय के द्वारा निकलता है, पेनक्रियाज के द्वारा। ये 100 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है, 100 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। वीडियो अगर लगा आपको कि चलो ठीक है हमें एक पेपर सेट मिल गया अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, लाइक कर लो, बाकी लोगों तक वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं दोस्तों, हमारी मदद कर सकते हैं शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी के वीडियोज़ के लिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ, धन्यवाद।